साइक्लोन बिपोर्जो जैसे गुजरात के तट के पास आता जा रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं जो जखऊ के पास एक वोंड करके जगह है वहाँ पर हूँ और तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही है। यहाँ पर स्पीडोमीटर पर आपको मैं बताऊंगा उसकी विंड स्पीड कितनी है, ये भी बताऊंगा। उससे पहले कुछ अपडेट्स बता देता हूँ कि आज साइक्लोन को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई, जहाँ पर उन्होंने अधिकारियों से साइक्लोन के सामने किस तरीके की तैयारी है उसकी समीक्षा की। सारी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पल पल की जानकारी राज्य सरकार लेते रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी नज़रें गड़ाए हुए हैं। उसके अलावा मोदी सरकार के मंत्रियों को भी गुजरात भेजा गया है, जिसमें मनसुख मांडविया यहाँ पर है, पुरुषोत्तम रूपाला यहाँ पर है, दर्शनाबेन जरदोश यहाँ पर है, ये भी हैं। उसके अलावा गुजरात सरकार के मंत्री भी, ये 8 जिले हैं, उन पर उनकी तैनाती वहाँ पर की गई है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार जो अप्रोच है ज़ीरो कैजुअल्टी के साथ, ऐसे में 74,000 यानी 74,000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। 1500 से भी ज़्यादा शेल्टर होम वहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर इनको रखा गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएँ हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, जिसमें छोटे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, ऐसे में उनको कोई तकलीफ ना हो, इस बात को लेकर सभी तैयारी की गई है और उनको उनको सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है, चाहे दूध की बात हो, चाहे नाश्ते की बात हो, खाने पीने की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें उन तक मुहैया कराई जा रही है। साथ ही में गुजरात में साइक्लोन हिट होने पर स्वास्थ्य सुविधाएँ किस तरीके से होंगी, 5 PHCCS उनको तैयार रखा गया है, किसी भी तरीके की आपात स्थिति में वहां पर जनरेटर होंगे, ऑक्सीजन के साथ प्लांट तैयार, बेड तैयार है, दवाइयां तैयार हैं, डॉक्टर्स मौके पर हैं, यानी वो भी तैयारी कर ली गई है। उसके साथ साथ चूंकि जो दिशा है 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से जब यहाँ से गुजरेगा तो फिर खंभे उखड़ेंगे, पेड़ उखड़ेंगे, सड़कों को नुकसान होगा, तो ऐसे में मार्ग मकान विभाग की टीमों को तैनात किया गया है, जो कटर JCB मशीन्स के साथ होंगे कि अगर आपात स्थिति में ऐसा कोई होता है तो सड़कें जल्दी, चूँकि सड़कें जल्दी खुली होगी तो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जल्दी हो पाएगा, ये एक उसके साथ। दूसरी बात यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि बिजली की आपूर्ति हो, ये जरूरी है, अगर बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं तो ऐसे में बिजली की आपूर्ति होनी जरूरी है। ये सारी चीज़ें यानी एक 360 पूरा का पूरा ऑपरेशन का जो रणनीति है उसको यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया है, वही जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ। लेकिन ये जो साइक्लोन है वो यहाँ से जो गुजरात का जखऊ तट से वहाँ से कराची की ओर जाएगा, वहाँ पर सिंध प्रांत के इलाके में ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, वहाँ 1,00,000 से ज़्यादा लोग डिस्ट्रेस होंगे, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। ये जो यहाँ पर जिस तरीके से 360 ऑपरेशन जिसे कहें, हर तरफ हर चीज़ों को देखते हुए राउंड द क्लॉक ऑपरेशन जो चल रहे हैं, क्या ऐसे ऑपरेशन की तस्वीरें हमने पाकिस्तान से देखी, क्या इस तरीके से क्या वहाँ के लोगों को अपने हाल पर छोड़ने को मजबूर कर दिया है वहाँ की सरकार ने, क्योंकि वहाँ ऐसे जब गुजरात में ऐसे ऑपरेशन, यहाँ कहें कि प्रधानमंत्री खुद किसी भी राज्य में अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो प्रधानमंत्री एक्टिव तौर पर वहाँ पर भूमिका अदा करते हैं, हाल ही में रेल हादसे में भी हमने देखा वो खुद गए, मंत्री को वहाँ पर भेजा गया, यानी किसी भी तरीके किसी भी राज्य में आपदा आती है तो प्रधानमंत्री इसको निजी तौर पर इंटरेस्ट लेकर सारी चीज़ें करते हैं, जिसके रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजरें गड़ाए, तभी तो ये पूरे ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें वहाँ पर कैसे देखी, क्योंकि वहाँ पर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी है, पॉलिटिकल टर्मोइल जिस तरीके का है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, सरकार नहीं जो अभी बन पा रही है, वो जो बनी है शरीफ सरकार, उस पर भी खतरा किस तरीके का है, चुनाव नहीं होने से इमरान खान अपने अलग थलग पड़े हुए, अलग विपक्ष के तौर पर वो आक्रामक हुए, उनके चलते उनके जेल होना, ये सारी चीज़ें यानी पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पर। सेना की बात की जाए तो वो हमेशा सरकार जो होती है वो पपेट के तौर पे सेना के लिए काम करती है, तो ऐसे में रेस्क्यू रिलीफ किस तरीके से होगा, क्या यहाँ पास में रहते लोग या नज़दीक पाकिस्तान की सीमा नज़दीक है तो वहाँ पे यहाँ पर सबको बचाया जा रहा है, वहाँ पर क्या अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले का अनुभव हमें याद होगा कि 2022 में जिस तरीके से बाढ़ आई थी और हज़ारों लोग वहाँ पर डिस्ट्रेस हुए थे, उसके अलावा 1800 ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तो उस समय जिस तरीके से सरकार ने लोगों को अपने हाल पर जीने को मजबूर कर दिया था, बिल्कुल ऐसी स्थिति वहाँ पर देखने को, चूँकि इतनी बड़ी विपदा है, इतनी बड़ी आपदा है, ऐसे में सरकार अगर आपके साथ खड़े नहीं रहती, मदद से मदद नहीं होगी, तो फिर लोगों को जो भरोसा है वो उड़ जाता है, सिस्टम से भरोसा उड़ जाता है।
हालांकि पाकिस्तान में सिस्टम है कि नहीं इस पर अपने आप में एक सवाल है, लेकिन कई चीज़ें हैं ये इस बात को लेकर जो ऐसी आपदाओं के समय पर हमें सवाल उठाती है। मैं जहाँ कर चुकी इसकी इसका नुकसान किस तरीके से होगा, मैं कुछ चीज़ें आपको विंड स्पीड है उसको ऑनलाइन मैं जरा ट्रैक करके दिखाता हूँ आपको, उससे अंदाज़ा आएगा कि यहाँ पर स्थिति किस तरीके की बनी हुई है। यहाँ पर मैं दिखाऊँगा आपको कि विंड स्पीड अभी की हालत यहाँ पर किस तरीके से है और ये जब साइक्लोन हिट होगा उस समय पर किस तरीके की होगी। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर मेरी पोजीशन मैं यहाँ पर लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए मेरी पोजीशन मैंने लगाई है, यहाँ पर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो 39 माइल्स पर आवर है, ये 169 साउथ में यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। तो ये जो लाइव लोकेशन मेरा जो मैं बता रहा हूँ विंड स्पीड का डायरेक्शन, यहाँ पर देखेंगे आप 64 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चल रही है उससे तो दुगनी रफ्तार से हवाएं चलेगी। मैं यहाँ पर हूँ अभी, आप देखता है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही है यहाँ खड़ा रह पाना मुश्किल हो जा रहा है, और गस्टिंग स्पीड तो लगभग 95 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में जब दुगनी होगी यहाँ से, जब ये 64 किलोमीटर प्रति यानी 125 से 135 का आकलन है, तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति होगी, नुकसान किस तरीके हुआ। गुजरात में तो सारी तैयारी कर ली है, लेकिन क्या सीमा पार अब पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पर चूँकि हमेशा ये होता है कि पड़ोसियों की जब आपदा होती है तो पड़ोसियों की जाहिर सी बात है एक चिंता रहती है, हम जब सुरक्षित होता है तो पड़ोसी मुल्क में किस तरीके से होते हैं, तो वहाँ पर पड़ोसी मुल्क क्या हालत होंगे ये देखने वाली बात होगी। चूँकि इस लार्ज स्केल पर ऑपरेशन चाहे यहाँ पर सेना को लगाया गया, NDRF SDRF पुलिस जिला प्रशासन राज्य का प्रशासन पूरा जिस तरीके से लगा इस ऑपरेशन या आपदा को जूझने के लिए उसके सामने जीरो कैजुअल्टी के अप्रोच के साथ, क्या वो तस्वीरें वहाँ से इस तरीके से दिख पा रही, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के लिए चलते बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्टिव रोल ये इस बातों में दिखता है। तो ऐसे में पास के लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं ये तस्वीरें जब हम टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर बचाया जाता है लोगों को प्राकृतिक आपदाओं में, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में किसी का कंट्रोल नहीं होता, बावजूद उसके सरकार इस तरीके से एक्टिव भूमिका में अदा करती है। तो जाहिर सी बात वो एक बैक ऑफ माइंड दिमाग में ज़रूर रहता है, पड़ोसी मुल्क है वहाँ के लोगों की भी क्या इस तरीके से हालत होगी। और कई बार हमने देखा कि वहाँ पड़ोसी मुल्क के लोग यहाँ चलकर गुजरात चले आते हैं, ये इसीलिए चूँकि यहाँ बिजली होती है, यहाँ पर जो सीमा पार पर जो तार लगाए गए हैं फेंसिंग लगाई गई वहाँ पर भी बिजली होती है, तो वहाँ के लोग सोचते हैं एक कि ये यहाँ पर जो यहाँ पर सीमा पर भी यहाँ बिजली है जबकि उनके गांव में बिजली नहीं है, तो उस देखने के लिए कई बार यहाँ पर चले आते हैं। और तो यही बात को लेकर पास के गाँव में लग रहे थे लोग क्या अपने हाल पर मजबूर होंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल इस आपदा के साथ रहता है। और ऐसे में गुजरात में पूरी तरह तैयारी कर ली गई है, तो ऐसे में पड़ोसी में मुल्क में भी किस तरीके की स्थिति ये भी आने वाला वक्त बताएगा। साइक्लोन बिपोर जो जेम जेम ગુજરાતના તટ વિસ્તાર તરફ આવી રહ્યું છે એની અસર અહીં જોવા મળી રહી છે। ખાસ કરીને હું અત્યારે જખૌ પાસે જે વોન્ડ છે એ વોન્ડ જગ્યા પર છું ને અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે જે દરિયો છે કેટલો તોફાની બન્યો છે। આ જે જગ્યા અત્યારે સામે જોઈ રહ્યા છો એમાં અત્યાર સુધી પાણી નહોતું, પરંતુ જે રીતે અત્યારે મોજા ઉછળી રહ્યા છે એ પાણી અહીં આવી રહ્યું છે, અને અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે લગભગ 4-5 વાગ્યાની આસપાસ અહીં સાયક્લોન હિટ થશે, અને એ સમયે 125 કિલોમીટરથી લઈને 135 કિલોમીટર સુધીની એની જે સ્પીડ રહેવાની છે, અને અત્યારે હું છું એ સ્પીડ કેટલી છે અત્યારે અત્યારે પણ અહીં ઊભું રહેવું મુશ્કેલ લાગી રહ્યું છે, મુશ્કેલ થઈ રહ્યું છે। એવા સમયે ઓનલાઈન હું જો ટ્રેક કરું એ સ્પીડને તો આપને પણ જણાવીશ કે કેવી રીતે સ્પીડ ટ્રેક અહીં થઈ રહી છે અને વિન્ડની સ્પીડ છે એ અત્યારે કેટલી છે। અહીં માય પોઝિશનમાં હું ઓનલાઈન અત્યારે મારું લોકેશન હું લગાવી રહ્યો છું ઓનલાઈનમાં, તો અહીં તમે જોશો કે વિન્ડ સ્પીડ આવી રહી છે અત્યારે 65 કિલોમીટરની સ્પીડ છે અત્યારે પ્રતિ કલાક, અને એને 40 MBPS જે કહે છે MPH માઇલ્સ પર અવર એ અત્યારે જોવા મળી રહી છે 65 કિલોમીટરની સ્પીડ। આ 65 કિલોમીટરની સ્પીડ એટલે અત્યારની પરિસ્થિતિ સામે તમે જોઈ રહ્યા છો જે રીતે વરસાદ આવી રહ્યો છે અને ગસ્ટિંગ સ્પીડ છે લગભગ 100ની આસપાસ છે અત્યારે, જો લગભગ ઝીરો વિઝિબિલિટી જેવી થઈ ગયું છે। હવે જ્યારે સાયક્લોન આવશે ત્યારે 125ની સ્પીડ હશે, એટલે કે અત્યારની જે સ્પીડ છે એનાથી બમણી સ્પીડ હશે, ત્યારે મુશ્કેલી સર્જી શકે છે। અને અત્યારની આ તસવીરો જ જણાવવા કાફી છે કે કેવી પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે ખાસ કરીને વોન્ડ અને આ જખૌના આસપાસના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે। કેમેરામેન ઉપકાર સિંહ સાથે જનક દવે, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વોન્ડ।